माय चैनल मीजार और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो लुक। यस, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी दो लुक वाला वीडियो पड़ा हुआ है, बट मैं यहाँ पे कर रही थी टीनेजर्स मेकअप लुक, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक और लुक इसमें बढ़ा दूँ, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। तो मैंने पहन रखा पर्पल और यहाँ पे मैंने पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये मेकअप। ये टीनेजर्स के लिए है और सेकेंड वाला तो कोई भी कर सकता है जिनको मेकअप पसंद है मेरी तरह, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली मेकअप लवर हूँ, मेकअप बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, न्यू वीडियो देख के जाइएगा, नहीं बहुत गलत बात है आप लोग देख के चले जाते हो वीडियो। अरे सब्सक्राइब कर दीजिए, कौन सा पैसा जा रहा है आपका, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये वाली पैलेट होना बहुत ज़रूरी है टीनेजरों के पास। और ये वेट एंड वाइल्ड की है, उसमें से ये ट्रांजिशन कलर लिया और अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मैंने अपने आई लिड पे अप्लाई किया था लैक्मे सीसी क्रीम, उसके बाद कॉम्पैक्ट। इससे क्या होता है कि आपका जो आई शेडो वो उभर के आता है। देन ये कॉपर शेड लेकर आप क्या जो भी ड्रेस का कलर हो वो एक शेड लेके अपने सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई करी इस तरीके से। और ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो लिया है, ग्लिटर इसमें बहुत अच्छा होता है और ये पिंकिश टोन पे है। और मेरा जो शेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अच्छे से अपने लिड पे अप्लाई कर लेंगे, जितना भी आपको ज़रूरत हो कि इतना ग्लिटर इनफ है हमारे लिड के लिए उतना आप कर लो। उसके बाद मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया और अब इस पे लगाएंगे मस्कारा। मैं यहाँ पे फॉल्सीज नहीं अप्लाई कर रही हूँ, तो 2 से 3 कोट आप मस्कारा अप्लाई करो तो उसका अच्छा सा लुक आता है, जैसे लगता है कि हल्की सी फॉल्सीज अप्लाई कर रखी है। तो 2-3 कोट बहुत है आपके लिए। उसके बाद फेस के लिए आते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है गुड वाइब का टोनर, रोज़ टोनर। और एक टीनेजर्स के पास तो टोनर होना बहुत ज़रूरी है। और इसे अच्छे से डैब डैब कर लेंगे स्किन पे, ताकि आपकी स्किन जो है अच्छे से हाइड्रेट हो जाए और जो भी पोर्स वगैरह हो मिनिमाइज हो जाए। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क की सॉफ्ट क्रीम और इसे अच्छे से फेस पे अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो फेस है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए इस तरीके से। और देंगे थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर ऑयल फ्री यूज़ कर रही हूँ। ऑयल फ्री इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा होती है इस वजह से। देन मैं यहाँ पे लैक्मे सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ 9 to 5 की। और मेरा जो शेड है वो है वेज और इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अगर आप टीनेजर्स हो तो आपके लिए सीसी या बेबी क्रीम बेस्ट है, या फिर आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो लाइट वेट वाला। और अगर क्लियर स्किन है तो सिर्फ फाउंडेशन या सीसी बीबी से ही काम चल जाएगा, लेकिन आपकी थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पे कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक डैम स्पॉन्ज की हेल्प से, डैम स्पॉन्ज मतलब पहले पानी में भिगो के उसको निचोड़ लें, उसमें कोई भी पानी ना रह जाए, उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद इन सबको सेट करने के लिए मैंने लिया स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट। ये ऑयल फ्री कंट्रोल है ये कॉम्पैक्ट। और मेरा जो शेड है वो है नेचुरल 03। इससे क्या होगा कि हमारा जो मेकअप है वो देर तक टिका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ काजल पेंसिल से। आप किसी भी से कर सकते हो, लाइक जो भी आईब्रो पेंसिल वगैरह आती है उससे भी कर सकते हो। इस पुली से इस तरीके से मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक सी दिखे आईब्रो। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। आपके पास कोई भी लिप लाइनर हो या फिर आप कलर लिप लाइनर ले सकते हो, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे मरून कलर का ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लाइनर, इस तरीके का है ये। और जहाँ पे मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया था लोअर लैश लाइन पे, वहाँ पे ही मैं अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, मेरा जो आई मेकअप है थोड़ा सा खूबसूरत सा दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा जो भी पाउडर वगैरह होगा उसे क्लीन कर लूँगी।
आप कॉन्ट्रोलिंग को स्किप कर सकते हो, बट मेरी नोज़ यहाँ पे थोड़ी सी मोटी है, तो उसे ना थोड़ा सा स्लिम दिखाना ज़रूरी है, सॉरी गाइस। आप इसे स्किप कर सकते हो, जो भी टीनेजर्स इसे देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूरी है भाई, मैं करूँगी। और अगर आपको भी ज़रूरी है तो आप भी इस तरीके से कर लीजिए। ये थी एडियस की काजल, एडियस का जेल काजल था, जेल आईलाइनर जो भी, व्हाटएवर जो भी आप कहो इसे। और उसके बाद एक डार्क ब्राउन शेड से इसे कर लेंगे सेट। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का लिक्विड तो नहीं, क्रीमी ब्लश। और ये बहुत ही हल्का सा पिंकिश टोन पे है, बहुत ही हल्का सा। उसके बाद मैं यहाँ पे शुगर का हाइलाइटर यूज़ करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़। और मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो बोन को भी हाईलाइट करूँगी इसी हाइलाइटर से। मैं जो हूँ अपने नो मतलब चीक्स वगैरह पे नहीं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद स्विस ब्यूटी का वही लिक्विड आई शेडो लिया, उसके बाद इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लिया। देन मैं यहाँ पे लैक्मी नाइन टू फाइव की रोजी संडे शेड है ये, और ये बहुत प्यारा शेड है, न्यूड शेड, पिंकिश न्यूड शेड है। सेटिंग स्प्रे से कर लेंगे सब कुछ सेट। ये स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे, एक स्पॉन्ज की हेल्प से सब कुछ अच्छे से एब्जॉर्ब करा देंगे। टीनेजर्स के लिए ये पहला लुक है, आई होप कि आप लोग को ये वाला लुक अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड वाला। अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद दो लिपस्टिक ले रही हूँ, एक NYBA की डार्क ब्राउन शेड और एक मिस क्लेयर की 64 नंबर जो कि पर्पल है। तो पहले NYBA की लगाएंगे, देन इसके ऊपर पर्पल लगाएंगे मिस क्लेयर की। फॉल्सेस अप्लाई कर लिया है, और ये मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।